फूडी रोडी व्लॉग्स। पीछे देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक नई जगह आई हूँ और मैं हूँ अभी इस समय बैंकॉक में। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी आप कैसे घूम सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो। मैं 3 जगहें कवर करने वाली हूँ और मैं 8 दिन के लिए आई हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, कितने पैसे लगते हैं और कैसे आप अपनी थाईलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इंडियंस को मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल और जिसके चार्जेस हैं 2200 बाद पर पर्सन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैंड करने के बाद आप एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड लेके चलो, बट इमिग्रेशन से पहले सिम कार्ड मत लेना। वहाँ पे 600 बाद मिलते हैं 8 दिनों के लिए विद अनलिमिटेड। मैंने इमिग्रेशन के बाद सिम कार्ड लिया था और मुझे 400 बाद में सिम कार्ड मिली थी। सिम कार्ड मिलने के बाद आप डाउनलोड करो ग्रैब ऐप, इससे आप अपनी कैब बुक कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी तो मुझे एयरपोर्ट से ही कैब लेनी पड़ी और मुझे 1100 बाद देने पड़े जहाँ मुझे जाना था उसके लिए। मैं रुकी हुई हूँ सुकुम्बत 11 और मेरे होटल के बाहर निकलते ही सब कुछ अवेलेबल है। 7-Eleven, स्टारबक्स, इंडियन रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, सब कुछ बाहर निकलते ही है। ये रूम मैंने बुक करा है मेक माई ट्रिप से, 3 नाइट्स के लिए मैंने इसके लिए पे किए हैं 12,000 रुपये। और लोकेशन बहुत अच्छी है, बाहर निकलते ही सब कुछ मिल रहा है तो और क्या चाहिए हमें। मेरे हिसाब से जो भी पहली बार बैंकॉक आ रहा है तो सुकुम्बत में ही रुके क्योंकि सारी चीज़ें आसपास ही हैं और होटल से बाहर निकलते ही आपको कैब, टुक टुक सब कुछ मिल जाएगा तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप टुक टुक करो तो बार्गेनिंग करो। मैं अभी जा रही हूँ अपनी स्कूटी लेने जो मैंने रेंट पे लेनी है, किसी से मैंने बात करी है तो वो यहाँ से सिर्फ 650 मीटर दूर है और इन्होंने मुझसे मांगे 250 बाद, मतलब 600 रुपये के आसपास। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, और फिर मैंने 100 बाद में मैंने बोला कि मैं 100 बाद ही दूँगी और ये रेडी हो गए। उन्होंने मुझे एक बार में मना के नहीं दिया कि नहीं ये बहुत कम है, कुछ 100 बाद में अब मैं जा रही हूँ। 100 बाद भी मतलब 250 रुपये के आसपास है, बहुत ज़्यादा है वो भी, क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर कितना पैसा किस चीज़ के लिए लगता है, तो इसीलिए विच इज़ बेटर देन 250 बाद। ये स्कूटी मैंने रेंट पे ली है 2 दिनों के लिए और इसका प्राइस 250 रुपये भाता है और 2000 रुपये मैंने सिक्योरिटी दी है। ये प्राइजेज हैं इनके। कंडीशन भी एकदम बढ़िया है इसकी, मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिया तो इट्स नाइस। अलग अलग प्राइजेज है मंथली और वीकली लोगे तो उसके प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। टेम्पल, ये एक सबसे पॉपुलर टेम्पल है थाईलैंड में और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वेरी नाइस। พี่ช่วยหน่อยได้ไหมคะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเขาถูกรางวัลเขาจะรู้ได้ไหม
तो अब निकल रही हूँ मैं यहाँ से, और जाने से पहले गेस करूँ मैंने क्या ख़रीदा है। मैंने ख़रीदी है एक लॉटरी की टिकट, और इसके लिए मैंने पे किए हैं 80 बाहत। ये जगह जगह बैंकॉक में आपको मिलेंगे, हर बंदा ये लॉटरी के टिकट्स बेच रहा है, और ये इजीली अवेलेबल है। इनके रिजल्ट्स निकलते हैं 1st एंड 16th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप भी बैंकॉक में उन डेट्स पर हो तो आप ख़रीद सकते हो और रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। क्या पता आप लकी हो और जीत जाओ ढेर सारा पैसा। यहाँ पे लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इशू है कि मतलब ये छोटी सी बात समझने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। जिन लेडी से मैं बात कर रही थी उन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, और हमने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया तब जाके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ये थोड़ा फनी भी था, बट शी वॉज़ ऑल्सो इन्जॉइंग एंड आई वॉज़ ऑल्सो हैविंग फन। तो इसके ठीक बाहर एक ये भी टेम्पल है, ये भी बुद्ध टेम्पल है, और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भी यू कैन सी, यहाँ पे लोग अगरबत्तियाँ जला रहे हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे दिखा, बट यहाँ पे लोग एक्चुअल में अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं। एंड लुक एट दिस ट्री, कितना सुंदर लग रहा है ये भी। अभी हम वट को टेम्पल आए हैं, यहाँ पे पूरे कपड़े नहीं पहन के आओगे तो इसके जैसे घाघरा पहनना पड़ेगा यहाँ पे, तो अपने आप को कवर करके आए। और यहाँ की एंट्री फीस है 200 भात, सो इट्स अराउंड 450 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। कितनी बार बताओ? और ये देखो कितना सुंदर है, ये है वट फो, और वट का मतलब होता है टेम्पल इन थाई लैंग्वेज, एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू गेट इनसाइड। तो चलते हैं अंदर। तो अंदर एक बहुत बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू है, बहुत ह्यूज है, और बाहर आप देख सकते हो कितना प्रिटी है ये। एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप भी इन्होंने बना रखा है जो कि बहुत प्रिटी है। आप बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करा सकते हो, तो ये मस्ट विजिट जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं स्काई ऑब्जर्वेशन, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है बैंकॉक की। अभी मैं आगे से दिखाती हूँ, कैमरे में पूरी आवे नहीं रही। जहाँ तक वो रिवॉल्व हो रहा है वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। मोना कैसा लग रहा है आपको? बहुत डर। ओके, मुझे भी लग रहा है वैसे तो डर। तो ये है 19th फ्लोर, और यहाँ तक अभी हम आए हैं, और अब हमें दूसरी लिफ्ट लेनी पड़ेगी इससे ऊपर जाने के लिए, जो कि इधर की साइड है। सो दिस इज़ दी 77th फ्लोर, इसके बाद 84th फ्लोर पे जाना है, एंड व्यू इज़ अमेजिंग। मिरर थोड़ा गंदा है बट इट्स वर्थ इट। 400 बाट पर पर्सन विद वन ड्रिंक, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, अप टू यू। इट्स ब्यूटिफुल फ्रॉम हियर। और इससे ऊपर यहाँ से जाएंगे 78th फ्लोर पे और 84th। तो ये है 83rd फ्लोर, देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बैंकॉक दिख रहा है यहाँ से, लाइट ही लाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अमेजिंग। Evolving one on 84th floor, tallest building in Bangkok. Feels good, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। नहीं आ रहा है।
जैसे ये कोई रेसिंग ट्रैक है और गाड़ियाँ बस भागे जा रही हैं यहाँ से, और बहुत अमेजिंग लग रहा है। मे बी कैमरा ये चीज़ कैप्चर ना कर पाए, बट बहुत ही अमेजिंग है ये। रात के 12 और मैं रुकी हुई हूँ सुखुम्बित रोड पे, पूरी रोड लाइव है, यू कैन सी। यह है सुखुम्बित 11th स्ट्रीट जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, और होटल से बाहर निकलते ही सब कुछ अवेलेबल है, इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार, सब कुछ। और जो ये ट्रक आप देख रहे हो ये कैनबीस का ट्रक है, कैनबीस मीन्स मरिजुआना, और ये यहाँ पे लीगल है। और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ये कैनबीस के दुकानें, स्टॉल्स मिलेंगे, और आप लेते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। और ये 24 आवर्स खुला रहता है भाई। आज है हमारा डे 2 और हम निकल चुके हैं अपने डे को स्टार्ट करने के लिए। जाने से पहले हम आए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने मैकडॉनल्ड्स, और मैं देखना चाहती थी यहाँ पे कुछ अलग मिलता है या नहीं। मतलब जैसे जब मैं बाली गई थी तो वहाँ का मेन्यू बिल्कुल अलग था और अलग अलग चीज़ें थी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मोस्टली बीफ ही अवेलेबल है मैकडॉनल्ड्स में, और चिकन के सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल थे और वो दोनों हमने ले लिए। हमने जो चिकन के ऑप्शन थे वो दोनों हमने ले लिए, मैक चिकन एंड स्पाइसी। मील ऑर्डर करी थी, ये है फ्राइज, खा ले यार क्यों चढ़ा रही है। और ये है कैरमल फ्रैपे, और ऐसा व्यू है यहाँ से। तो ये है मैक चिकन, टेस्ट सेम ही है, कोई इंडिया से अलग नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है, कोकोनट कैरमल फ्रैपे, उससे तो बहुत अच्छी है। मैं पहुंच चुकी हूँ सी लाइफ बैंकॉक, और ये पड़ता है श्याम पैरागन मॉल में। और पार्किंग में आप अपनी स्कूटी, अगर आप स्कूटी है आपके पास तो आप वहाँ लगा सकते हो, मैंने वहाँ पार्किंग में लगाई है। और ये B1 में है, बेसमेंट में है ये। अभी पीछे लाइन लगी हुई है, मेरी फ्रेंड टिकट लेने गई हुई है अंदर। टिकट अगर प्राइस की बात करें तो 30.90 भात है, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 3000 के आसपास है। तो अंदर जाऊँगी फिर बताऊँगी कि ये वर्थ है या नहीं 3000 रुपीज़ पर पर्सन स्पेंड करना। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे पेंगुइन है, ड्रैगन लिज़र्ड। ओ भाई साहब, अगर ये बाहर आ गई ना मैं बेहोश हो जाऊंगी। शार्क शार्क एग,
but it's already hatched, so nothing inside now. Okay. From bamboo shark. Only 40% of sharks that can lay eggs like this. Thank you. Thank you so much. You can wash your hand again if you want. Yeah. ये खाना मिल रहा है ना यही खाएंगी सारा और बाकी ऐसा नहीं लग रहा ऐसे भूत है ये तो बहुत फनी है मैं अभी बाहर आई हूँ सी लाइफ बैंकॉक से जो कि बहुत अमेजिंग था और आई विल सजेस्ट अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे आप निकाल सकते हो और आप बैंकॉक में तो इसे ज़रूर विज़िट करें बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था बहुत अलग अलग तरीके की फ़िशेस देखी इतने सुंदर सुंदर उनके कलर्स थे और शार्क भी थी अंदर तो मतलब बहुत अमेजिंग था और बहुत ह्यूज है तो आपको यहाँ पर आराम से 2-2.5 घंटे लगेंगे पूरा देखने में पेंगुइन भी थे तो वो भी एक मैंने पहली बार पेंगुइन देखे हैं तो बहुत अमेजिंग था मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस प्लेस को विज़िट करने के लिए क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए यहाँ पर ये है बैंगसू शॉपिंग सेंटर और अगर आप अपने घर के लिए शॉपिंग करना चाहते हो तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एंटीक और विंटेज चीज़ें आपको मिलेगी थोड़ा कॉस्टली है बट बार्गेनिंग करोगे तो आपको ठीक प्राइस में मिल सकता है मार्केट है यहाँ की और आप यहाँ पे शॉपिंग करने आ सकते हो प्राइजेज आर वेरी रीजनेबल और कोशिश करो मतलब 6 बजे से पहले पहले आ जाओ वैसे तो पूरी रात ये मार्केट चलती है बट अगर 6 बजे से पहले आओगे तो ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे और खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं How's it?
ये है एशिया टेक मॉल और बैंकॉक आई भी यहीं पर ही है। बैंकॉक आई के चार्जेस है 500 बाहत पर पर्सन। ये एक ओपन एयर मॉल है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं और यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, साइड में रिवर है। और अगर आप करना चाहते हो डिनर क्रूज़ तो डिनर क्रूज़ के लिए भी सारे क्रूज़ यहीं से चलते हैं। इनके टाइमिंग है 7 to 9 और आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। मुझे लगा था सेम डे बुकिंग हो जाती है पर सेम डे बुकिंग नहीं होती, तो अगर आप डिनर क्रूज़ करना चाहते हो तो एक दिन पहले इसकी बुकिंग कराओ। तो अब मैं निकल चुकी हूँ करावी के लिए और करावी में जा रही हूँ बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट अगर आप 10-15 दिन पहले अपनी टिकट बुक करके रखोगे तो 2200-2500 रुपये में आपको टिकट मिल जाती है, और अगर आप बाय बस जाओगे तो वो 10-12 घंटे लेती है और उसमें भी 2000 रुपये की आपको टिकट पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फ्लाइट ज़्यादा बेटर है, 1.5 घंटे में वो आपको करावी पहुँचा देगी और जो कि ईजी भी रहेगा। एयरपोर्ट के लिए कैब मैंने अपने होटल से निकलते लिए जो कि मुझे 500 बाद में मिली है, और जब मैं एयरपोर्ट से अपने होटल आई थी जहाँ मैं रुकी हुई थी सुखामत में, वहाँ के मैंने 1100 बाद दिए थे जो कि डबल द